हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ये दिखाने वाला हूँ कि जब हम लोग की सैलरी मिल जाती है तो हम लोग पैसा कैसे भेजते हैं, और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कोशिश जरूर करता हूँ। तो आप लोग के लिए तो एक फर्ज बनता है कि लाइक कर सकते हो। तो चलिए, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, पैसा भेजता हूँ और मुझे सैलरी मिल चुकी है। और तो चलिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, ये अलमुल्ला एक्सचेंज जो है, यहाँ पे हम लोग आते हैं पैसा भेजने के लिए। जब हमको सैलरी मिल जाती है 30 तारीख को या 28 तारीख को, जब भी मिलती है, तो ज़्यादातर सैलरी हमको मिल जाती है 27 तारीख को, क्योंकि यहाँ कुवैत में कानून है, हर कंपनी में 25 तारीख के बाद सैलरी दे दिया जाए। तो हम लोग को आज सैलरी मिल चुकी है, 26 तारीख है, और यहाँ पर हम लोग पैसा भेजने के लिए आते हैं। और अभी सीरियल में है, अभी एक भाई यहाँ पे पैसा भेज रहा है, उसके बाद मेरा नंबर है, और मेरे रूम में का भी एक आदमी है यहाँ का, तो उसका नंबर है, बाद में मेरा नंबर, देख सकते हो। यहाँ पे एक मशीन से भेजते हैं, और यहाँ राइट में जो कि है, लेफ्ट में सॉरी, वहाँ पे जो कि भेजते हैं कंप्यूटर वगैरह द्वारा, जो कि ये तो मशीन ले लेती पैसा। और यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है, बगल में पाकिस्तान का रहने वाला है, और ये भी बांग्लादेश का रहने वाला है, तो हिंदी बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर हम लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जैसे, और यहाँ पर एरिया है, वो लोग को हिंदी नहीं आती है, तो ज़्यादातर अभी यहाँ जगह पे एक हिंदी जरूर होता है, हिंदी बोलने वाला। अभी कुवैत में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग कुवैत में किसी भी जगह आते हैं बैंक वगैरह में पैसा भेजने के लिए, तो आपको हिंदी बोलना अगर आता है तो आप लोग कम से कम अपना काम करा सकते हो। और ये भाई देखो, पैसा भेज चुका है, लेकिन भाई यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही खतरनाक था, और उस भाई को पता नहीं चला कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया कि आपको यहाँ पे देखने को मिले कि यहाँ पे लोग कैसे पैसा भेजते हैं। और अगर आप लोग 1000 दिनार से ज़्यादा भेजोगे तो कुछ थोड़ा सा इशू रहेगा, और हम लोग इतना पैसा भेजते नहीं है, और यहाँ का कानून है कि आप लोग के पास कम से कम सिविल आईडी होना चाहिए पैसा भेजने के लिए, और 1000 दिनार से ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते हो। 1000 दिनार से अगर पैसा भेजोगे तो थोड़ा रुक जाइए, अगर आज 1000 भेज देते हो तो आप कल भेज दीजिए 1000। बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा रहती है, और 2000-3000 महीना पर कमाते हैं, और हम लोग की सैलरी तो भाई 180-170 होती है। तो भाई लोग का कमेंट था कि भाई एक वीडियो बनाइए, यहाँ पे लोग कैसे पैसा भेजते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली, तो उन्होंने पूछा था कि भाई यहाँ पे पैसा कैसे भेजते हैं। तो मैंने उनके भाई का कमेंट तो नहीं, बल्कि मैंने एक वीडियो बना दी, ताकि सब लोग की वीडियो बना दी, उनके लिए छोड़ दीजिए, आप लोग को भी पता चल जाए कि यहाँ पर लोग कैसे पैसा भेजते हैं। यह पूरा अलमुल्ला का एक्सचेंज जो है कुवैत में है, और देख सकते हो आप लोग। और अभी मेरा नंबर आने ही वाला है, बस 1 मिनट की बात है, बाद में मैं पैसा भेज दूंगा अपने इंडिया, और शाम को टाइम वो पहुंच जाएगा। और अभी यहाँ पे बज रहा है सुबह में 10, अभी यहाँ पे मैं आया था 9 बजे, तो अलमुल्ला खुला नहीं था, और मैंने पूछा कि भाई अलमुल्ला क्यों नहीं खुला है, बोला कि आज जो है फ्राइडे दिन है और यहाँ पे छुट्टी रहती है, तो जिसकी वजह से हम लोग आज थोड़ा लेट खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा एरिया जो कि जुमे के दिन बंद रहता है, तो थोड़ा 1 घंटा लेट खुलता है अलमुल्ला। तो आप लोग देख सकते हो, ये मशीन है, यहाँ पे पैसा भेजते हैं सामने, और मशीन के अंदर पैसा डालेंगे, और फिर आपको पूरा नंबर वगैरह डिटेल डाल के पूरा आपको ऑटोमेटिक रसीद आ जाती है, पेपर इनवाइस आ जाती है। तो देख सकते हो इस बंदे का जो कि लिखा हुआ अलमुल्ला एक्सचेंज, जो यहाँ पे काम करता एम्प्लॉय है, और ये इंजीनियर है। और यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक होता है वीडियो बनाना, आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि वीडियो बनाना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है वो बोलते हैं ना, गैर कानूनी है। तो लेकिन मैंने आज एक वीडियो बनाई, कुछ डर भी लग रही थी क्योंकि उसको भाई को पता नहीं चला, तो बस मैंने एक वीडियो वर्टिकल बना दी, ना कि हॉरिजॉन्टल। हो सकता है आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही, लेकिन भाई मैंने वीडियो बनाई थी वर्टिकल। और यहाँ पे हम मैंने पैसा भेजा 150 KD, जो कि बन गया 37,500 रुपया इंडिया का बन जाता है, और ये कल मेरे इंडिया के खाता से यानी कि निकाल सकते हैं, आज पहुँच जाएगा, लेकिन हम लोग जो कि निकालेंगे कल बाई ATM, और देख सकते हो। गैस, हम लोग इसी तरह यहाँ पे पैसा भेजते हैं इस बैंक से, अलमुल्ला से, और हम लोग का जो पैसा पहुँच जाता है 1-2 घंटा बाद पहुँच जाता है बैंक में हमारे इंडिया, और एक दिन बाद हम लोग के घर वाले वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने कैसे कैसे आप लोग के लिए वीडियो बनाई, कम से कम आप लोग तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं कितना डेंजर का काम कर आप लोग के लिए काम करता हूँ। और अभी मेरी आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नई वीडियो बनाते हैं, और रोज वीडियो बनाते थे, थोड़ा आज वीडियो हट के थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग कुवैत में आते हो, अगर आप लोग कुवैत में हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कैसे लोग पैसा भेजते हैं, कम से कम 1 दिनार कमीशन होता है यहाँ पे, 1 दिनार का बन जाता है 250 रुपया, 251 रुपया, लेकिन आज का रेट बहुत ही अच्छा था, 251 रुपया था। तो हम लोग जब पैसा भेजते हैं तो कम से कम बहुत ही फर्क हो जाता है जब रेट होता है, जैसे कि आज मैंने 150 दिनार भेजा, तो जो मेरा पैसा बना इंडिया का 37,500 रुपया इंडिया का बन चुका था। अगर ये पैसा मैं 1 महीना बाद भेजूंगा, अगर रेट 230 रुपया रहेगा, तो कम से कम बनेगा 33,000 या 34,000 बनेगा, क्योंकि आज रेट बहुत ही अच्छा था, और इंडिया में महंगाई की वजह से यहाँ पे रेट बहुत ही अच्छा था। गैस, अगर आप लोग कुवैत में आते हो, यहाँ पे सून वगैरह का अगर वीजा आपका है, तो यहाँ पे आप लोग के पास ATM कार्ड होएगा, तो यहाँ पे आप लोग इंडिया जो पैसा भेजोगे ऑनलाइन भेज सकते हो, आपको कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है, और ऑफलाइन में कमीशन लगता है, क्योंकि यहाँ का कानून वगैरह है,
तो वो बंदा मुझे बोला कि अगर आप लोग, आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप ऑनलाइन भेज सकते हो, यानी कि अगर आप लोग के पास यहाँ बैंक वगैरह है, सीधी सीधी बात ये होती है, अगर आप लोग के पास बैंक वगैरह है तो कम से कम आप लोग के पास एटीएम कार्ड होएगा, तो आप लोग को एटीएम कार्ड द्वारा अपना पैसा भेज सकते हो इंडिया में। और हम लोग के पास कोई एटीएम कार्ड रहता नहीं, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कोती वगैरह के द्वारा, तो कोती हमको कार्ड वगैरह देता नहीं है, तो हम लोग बस कैश वगैरह सैलरी पाते हैं तो सैलरी सीधा भेज देते हैं ऑफलाइन, जो कि कमीशन लगता है 1 दिनार। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अलविदा कहते हैं। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।